माय डियर फ्रेंड्स, मैं सुमन जायसवाल एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एपिटैक्सिस के बारे में। तो सबसे पहला सवाल होता है कि एपिटैक्सिस एक्चुअल में होता क्या है। तो देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, एपिटैक्सिस मतलब होता है नाक से खून आना, जो लगभग 60% लोगों में कभी ना कभी लाइफ, उनके थ्रू आउट लाइफ स्पैन में, उनकी पूरे जीवन शैली में, जीवन कार्यकाल के दौरान उनको क्या होता है, नोज से ब्लीडिंग हो ही जाती है अक्सर। तो ये नोज ब्लीडिंग कितनी कॉमन है, कितनी नहीं, ये सिचुएशनल होती है। और लेकिन 10% केसेस में अगर आप देखेंगे तो ये जो नाक से खून आता है ये बहुत सीरियस होता है और इसको कंटिन्यूस मतलब तुरंत इमरजेंसी ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो आज की इस वीडियो में आपसे मैं यही बातें करने वाली हूँ कि किस लिए होता है, क्या कारण है, किन लोगों में होता है, मेडिसिन क्या है और बहुत सारी बातों के बारे में, चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहला चीज़ तो यही है कि एपिस्टैक्सिस एक साइंटिफिक टर्म है जो नाक से खून आता है, जिसको हम इंग्लिश में नोज ब्लीडिंग कहते हैं, उसके लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें होता क्या है, जो नाक के अंदर ब्लड वेसल्स हैं, जो नाक के अंदर क्या है, ब्लड वेसल्स हैं, ये ब्लड वेसल्स कहाँ हैं, उन टिश्यूज़ में, टिश्यूज़ क्या होती है, ग्रुप ऑफ सेल्स। तो ये और हमारी जो सेल है ये यूनिट है, इकाई है, जीवन की इकाई होती है सेल। और यही सेल्स जब बहुत सारी मिलती हैं तो टिश्यू बनती हैं। तो जब टिश्यू में, जो टिश्यू में ब्लड वेसल्स होते हैं, जब इनमें कोई क्षति पहुंचती है तो उसमें से खून आना शुरू होता है, तो उसको हम कहते हैं नोज ब्लीडिंग। ठीक है, तो अब देखिए नाक में क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये क्या करती हैं, जो एयर हम इनहेल करते हैं सांस में, जो हम हवा लेते हैं अंदर की तरफ, ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं इस, ये उस हवा को नम कर देती हैं, साथ ही साथ क्या कर देती हैं, हल्की गर्म भी कर देती हैं, वार्म कर देती हैं। तो जब वो हवा नम हो जाती है या वार्म हो जाती है तो हमारे, हम आसानी से उसे इनहेल कर पाते हैं और अंदर ले पाते हैं। लेकिन जब यही हवा, सपोज करें आप वार्म ना हो और साथ ही साथ मॉइस्ट भी ना हो, नम भी ना हो, तो क्या करेगी, रूखापन हो जाएगा हमारे नेसल रूप में। जब रूखापन होगा तो उस केस में क्या होगा कि ये हमारे जो ब्लड वेसल्स होंगी उसको डैमेज करेंगी। सर्दियों में भी आपने देखा ही है ना, जब स्किन रूखी हो जाती है तो चोट वगैरह, छिलने कटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। फिर उसी तरह से क्या होता है, जब एयर अंदर जाएगी तो मैंने बताया ही आपको, वो क्या करेगी, सुखा देगी ब्लड वेसल्स को, ड्राई करेगी, साथ ही साथ इरिटेट करेगी और आसानी से उसमें डैमेज हो सकता है, ये मैंने आपको बताया। अब कितने टाइप के होते हैं, देखिए आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा YouTube पे एक और चैनल है 10 Direction न्यूज़ के नाम से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी आपसे। तो आप प्लीज़ उस लिंक को विज़िट करके हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो टाइप्स की बात कर रहे थे, तो दो टाइप्स है, एंटीरियर नोज ब्लीडिंग और पोस्टीरियर नोज ब्लीडिंग। सबसे पहले तो हम आपको बता, मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे नाक में आपको दिख रहे होंगे दो होल्स होते हैं और बीच में ये ठोस सा कुछ होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेप्टम। क्या कहते हैं, सेप्टम, जो हमारे राइट नॉस्ट्रल और लेफ्ट नॉस्ट्रल को दो पार्ट में डिवाइड करता है, इसको हम सेप्टम कहते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या होता है, एंटीरियर नोज ब्लीड की अगर हम बात करें तो जो नाक के आगे के हिस्से में ही नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की वॉल पे क्या हो जाता है, नीचे की वॉल क्या है, जो सेप्टम है जो दो नोस्ट्रल्स को डिवाइड कर रही है, उसमें आगे ही नीचे की तरफ कोई प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से ब्लीडिंग आ जाती है। और ये ब्लीडिंग जो होती है बच्चों में कॉमन होती है, जो खुद ब खुद भी ठीक हो जाती है। फिर हम पोस्टीरियर की बात करते हैं, पोस्टीरियर में क्या होता है कि ये पीछे की तरफ होती है, नाक में ही पीछे की तरफ होती है और कभी कभी ब्लड जो है वो थ्रोट में भी आ सकता है। ठीक है, गले में भी आपको महसूस होगा कि आप कुछ ब्लड जैसा स्वेलो कर रहे हैं, तो ये जो खून निकलता है ये गले में भी आपको महसूस होता है। ठीक है, और इसमें क्या होती है, ये ब्लीडिंग बहुत हैवी भी होती है और ये एडल्ट्स में ज़्यादातर होती है। ठीक है, और इसमें कभी कभी इमरजेंसी ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट भी पड़ जाती है। अब देखिए,
आपका अगला सवाल होता है कि ये कॉज क्या होता है आखिर, कभी हम कह देते हैं खट्टा खाने से होता है बच्चों में, देखिए हर चीज़ के पीछे कुछ साइंटिफिक कॉजेज हैं, तो साइंटिफिक कुछ कॉज हैं वो आइए देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला तो जो कॉज होता है वो कभी कभी ठंड में अक्सर करके क्या होता है कि एयर जो हम इनहेल करते हैं, ब्रीथ करते हैं, वो मॉइस्ट नहीं होती है, नम नहीं होती है, जिसकी वजह से मैंने आपको पहले ही बताया ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचता है, रूखापन जो हमारे सर्दियों में नॉर्मल होता है। फिर कभी कभी कुछ लोग को साइनसाइटिस होता है, साइनस में इन्फेक्शन होता है, साइनस के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप वहां से उस वीडियो को देख करके साइनसाइटिस के बारे में भी पूरी जानकारी ले सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, कभी कभी छींक, कभी कभी ज़्यादा प्रेशर से छींक देने से भी क्या होता है कुछ नुकसान हो जाता है। फिर कभी कभी खांसते खांसते भी कुछ समस्याएं हो सकती हैं, और क्या होता है कभी कभी नाक ज़्यादा प्रेशर से, जो कभी कभी इतनी सेंसिटिव होती हैं कुछ लोगों की ब्लड वेसल्स कि अगर वो नाक को बहुत ज़्यादा प्रेशर दे के फुलाएंगे ना तो भी ब्लड वेसल रप्चर हो जाएंगे, नुकसान पहुंचेगा और नोज़ ब्लीडिंग होने की संभावना हो जाती है। ठीक है, अब कुछ एलर्जी भी होती है किसी चीज़ों से, ये तो कुछ जनरल कंडीशन, लेकिन कुछ मेडिसिंस भी होती हैं जिससे एलर्जी होने के वजह से भी ब्लीडिंग होती है, जैसे कि नेसल लाइनिंग में अगर कोई इन तरह का इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन हुआ है तो सेप्टम वगैरह में तो भी ब्लीडिंग हो सकती है। नेक्स्ट, ब्लड थिनिंग मेडिकेशन, कुछ लोग क्या होता है जिनकी बाईपास सर्जरी हुई होती है, जिनका हार्ट लोग नहीं संभाल पाता ज़्यादा, उन्हें एक मेडिसिन दी जाती है ब्लड थिनर्स। ब्लड थिनर्स क्या कहती है, खून को हल्का सा पतला कर देती हैं, तो जो लोग ब्लड थिनर्स ले रहे होते हैं लाइक एस्पिरिन वगैरह या फिर नसेयर्स या वॉरफेरिन या कुछ अदर्स मेडिसिन ले रहे होते हैं तो उनमें ये ज़्यादा होने के चांसेस हो जाते हैं ब्लीडिंग, और रुकती भी नहीं है ब्लीडिंग क्योंकि ब्लड ऑलरेडी थिन हो चुका होता है। ठीक है, फिर उसके बाद रिक्रिएशनल ड्रग्स, कोकेन वगैरह जो कभी कभी खांसी के सीरप वगैरह में भी होती है, इसकी वजह से भी कभी कभी नोज़ ब्लीडिंग होने की संभावना होती है। साथ ही साथ अलग है जैसे कुछ केमिकल इरिटेंट्स, कुछ केमिकल्स होते हैं जो इरिटेशन कॉज कर देते हैं, तो वो बहुत शरीर के और भी चीज़ों को तो नुकसान पहुंचाते हैं, साथ ही साथ जो हमारी नोज़ होती है उसमें भी इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन कर देते हैं जिसकी वजह से भी ब्लीडिंग होता है। जैसे कि अब दूसरी बात, कभी कभी जब आप पहाड़ चढ़ेंगे तो पहाड़ों पे क्या होता है टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है, ठंड ज़्यादा होती है, हाई एल्टीट्यूड पे जिसकी मैं बात कर रही हूँ एयर क्या होती है ड्राई होती है हाई एल्टीट्यूड पे, तो वहाँ पे भी नोज़ ब्लीडिंग होने की संभावना कुछ लोगों में, जो सेंसिटिव जिनकी ब्लड वेसल्स होती हैं थिन होती हैं उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। फिर दूसरा, कुछ लोग नेसल स्प्रे यूज़ करते हैं जैसे कि एंटी हिस्टामिनिक्स होते हैं या फिर एल्कोहल, इस जो लोग नेसल स्प्रे यूज़ करते हैं उनमें भी ये नोज़ ब्लीडिंग होने की संभावना होती है। कुछ लोगों के नेसल्स में पॉलिप्स हो जाते हैं, हल्की हल्की से उभार हो जाते हैं जिस जो कभी फूटते हैं तो भी क्या होता है ब्लीडिंग होने की संभावना हो जाती है, या फिर कभी कभी ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ा होता है तो नाक से आँख से खून आना हो शुरू हो जाता है। साथ ही साथ ट्यूमर्स में भी, ट्यूमर होता है अगर कोई नेसल रूट पे तो वहाँ से भी ब्लीडिंग होने की संभावना है। दूसरी केस होती है प्रेगनेंसी, तो अब आप सोचेंगे प्रेगनेंसी में नोज़ ब्लीडिंग क्यों होती है। देखिए प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, जो नाक में ब्लड वेसल्स होती हैं वो फैलती हैं, खुद को एक्सपैंड करती हैं, तो जब एक्सपैंड करती हैं तो उस एक्सपेंशन के दौरान क्या होता है ब्लीडिंग होने की संभावना हो जाती है, कोई ब्लड वेसल्स रप्चर हो गई, फट गई, तो वहाँ से ब्लीडिंग होने की संभावना हो जाती है, तो प्रेगनेंसी में इस वजह से ब्लीडिंग होती है। अब आगे बात करने वाले हैं मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आपके कोई सुझाव, कोई कमेंट तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव दे सकते हैं, मैं उन्हें डेफिनेटली इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती हूँ। अब हम बात करने वाले हैं, अब आप पूछेंगे मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट, कुछ इतनी सारी बातें तो हो गई, कुछ मैनेजमेंट होगा कुछ ट्रीटमेंट होगा, तो देखिए सबसे पहला जो मैनेजमेंट केस क्या होता है, इस कंडीशन में आप पेशेंट को क्या कहें कि मुंह से सांस ले थोड़ी देर, नाकों पे कोई प्रेशर ना दें, साथ ही साथ अगर नाक फुला रहे हैं तो वो भी ना करें। ठीक है, दूसरी चीज़ कोई टिश्यू हो, कोई
सूखा कपड़ा कॉटन क्लोथ हो या फिर कुछ हो तो वो नाक के पास ले जाएं थोड़ा, लेकिन ज़्यादा अंदर तक ना ले जाएं, थोड़ा सा अंदर ले जा करके उस ब्लड को सुखाने की कोशिश करें। ये मैनेजमेंट है जो घर में जनरली लोग करते ही हैं। फिर दूसरा, अगर कोई डीकंजेस्टेंट स्प्रे है जो जनरली ओटीसी स्प्रे होता है, ओवर द काउंटर मेडिकेशन, ओवर द काउंटर मेडिकेशंस क्या होती हैं जो जनरली हर घर में पाई भी जाती हैं और ये 50% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन की हेल्थ केयर नीड को ओवरकम कर लेती हैं, उसको हम ओटीसी मेडिकेशन कहते हैं, ओवर द काउंटर। अब देखिए इसमें कौन सा मेडिकेशन है, ऑक्सीमेट्राजोलिन, ये स्प्रे भी स्प्रे कर सकते हैं। फिर ये स्प्रे, अब आप पूछेंगे और किस किस नाम से आती है, वो भी मैं आपको बता ही देती हूँ। ये स्प्रे आती है एफरिन के नाम से, ड्रिस्टान के नाम से, या नियोसाइनेफ्रिन के नाम से, या फिर विक्स साइनेक्स के नाम से, इतने नामों से ये स्प्रे आती है। तो ये भी आप ये स्प्रे ले सकते हैं। फिर कभी कभी कुछ कुछ केसेस ऐसे हो जाते हैं जहाँ मेडिकेशन से काम नहीं चल रहा है, सर्जरी या दूसरे ऑप्शन इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं, तो वो मैं आपको भी बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए सबसे पहला होता है नेसल पैकिंग। नेसल पैकिंग क्या करना है आपको, स्वैब आते हैं कॉटन के स्वैब्स आते हैं, उसको क्या करना है, नाक में ज़्यादा अंदर नहीं ले जाना है, थोड़ा बाहर तक ही रख के ब्लड को सुखाना है, ठीक है, इसको कहते हैं नेसल पैकिंग। या फिर उसको स्वैब को अंदर डाल के एकदम स्ट्रेट होकर बैठ जाना है और मुँह से सांस लेते रहना है। तो उस दौरान जब नाकों की ब्लड वेसल्स पे कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा तो ब्लड भी नहीं, ब्लीडिंग भी नहीं होगी। फिर दूसरी होती है कॉटराइजेशन। कॉटराइजेशन में क्या करते हैं कि कॉटराइजेशन में सिल्वर नाइट्रेट से, या फिर कभी कभी हीट एनर्जी, लाइक जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकॉटरी, इसको अप्लाई करके उस ब्लड वेसल्स को ही सील कर दिया जाता है जहां से ब्लड निकल रहा है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। दूसरा है मेडिकल एडजस्टमेंट। मेडिकल एडजस्टमेंट में क्या करते हैं, जैसे कि हमने दे दिया ट्रैनेक्सामिक जो आती है लाइस्टेडा के नाम से भी, ये क्या करती है, खून का थक्का जमा देती है जिसकी वजह से ब्लीडिंग रुक जाती है। ये उन लोगों में इफ़ेक्टिव हो सकती है जो ब्लड थिनिंग मेडिकेशंस ले रहे होते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन होता है सर्जरी। कभी कभी सेप्टम जो होता है, कुछ लोगों का टेढ़ा होता है तो हल्की सी नाक टेढ़ी होती है, उतना कुछ पता नहीं चलता, तो जब सेप्टम टेढ़ा होता है तो इस वजह से भी जिस भी नॉस्ट्रल पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा वहाँ से ब्लीडिंग होगी, तो उसको सीधा करने के लिए सर्जरी होती है जिसको हम कहते हैं सेप्टोप्लास्टी, ठीक है। तो सेप्टोप्लास्टी करा सकते हैं जिसकी वजह से वो ब्लीड कर रही ब्लड वेसल्स को ठीक किया जाता है। नेक्स्ट होता है सेप्टम को ठीक करते हैं। नेक्स्ट होता है लाइगेशन। लाइगेशन नाम से ही पता चल रहा है, किसी चीज़ को बांध रहे हैं, यानी कि जिस ब्लड वेसल से ब्लीडिंग हो रही है, जो ब्लड वेसल लीक कर रही है, ब्लड निकाल रही है बाहर, उसी को लाइगेट कर दें, पूरी तरह से बांध दें, उसमें कोई भी तरह से ब्लड का आवागमन नहीं हो जिसकी वजह से ब्लड बाहर आए, ठीक है, उसको लाइगेट कर दें। तो ये एक होता है ऑप्शन। तो ये मेरा आज का पूरा वीडियो था नोज ब्लीडिंग के ऊपर, जिसको हम साइंटिफिकली एपिस्टैक्सिस कहते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, अगली समस्या के बारे में बातें करेंगे, कुछ नई मेडिकेशन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।